लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से 25 वचनों तक हम पढ़ेंगे और उनके ऊपर मनन करेंगे। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं, और हेरोदिस के भंडारी कुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां। ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। जब बड़ी भीड़ इकट्ठे हुई और नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तेरे तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उसे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं सकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं डांगता और न काट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बागर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उससे इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरी भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे।
तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी अब नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे दम गए और क्षीण हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हम देखने जा रहे हैं वो मुद्दा है जो परमेश्वर का वचन कहता है। 18 वचन में हम देखते हैं, लूका 8वां अध्याय है और 18 वचन में हम ये पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम आज मनन करने वाले हैं। लूका 8:18 में हम ऐसे देखते हैं, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। यही मुद्दा पर हम आज ध्यान करने वाले हैं। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कई चीज़ों को अपना जीवन में जब इधर पृथ्वी में था सिखाया, कई कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहीं कहीं गहराई आत्मिक बातों को भी वो समझाते हुए हम देखते हैं। वो ऐसे कई दृष्टांतों को वो बताया। इधर हम देखते हैं बीज बोने वाला का दृष्टांत को हम देखते हैं। तब वो सब लोग बैठे हुए थे भीड़ उसके सामने, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत को बताया, उसके बाद में सब लोग चले गए और अभी केवल यीशु मसीह और उनके बारे प्रेरित लोग जो चेले लोग अकेले बैठे थे। तब चेले लोग आकर पूछते हैं, प्रभु उसका इसका क्या अर्थ है, हमको पता नहीं चल रहा है। तब वो पूछने लगे तो प्रभु यीशु मसीह इस जो मुद्दा है जो जो जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता, करके इस कार्य को, इस चीज को, उसको, उसका ऊपर वो उसको समझाते हुए हम देखते हैं। प्रभु बोलते हैं, मैं बोलता हूँ दृष्टांत में बोला गया, लेकिन वो लोग और भी समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं। उसमें क्या आ गया, प्रभु यीशु मसीह क्यों ये बीज बोने वाला कहानी बताया, उसके बारे में कोई भी पूछा नहीं, केवल 12 चेले लोग आकर पूछ रहे हैं, सब लोग ऐसे चले गए क्योंकि उनको उनका अंदर एक प्यास नहीं है, प्यासा नहीं है। ये उस समय में पूछ सकते थे, कोई भी उसमें कोई प्यासा हुआ लोग हो गए तो उस समय पूछ सकते थे, प्रभु इसका अर्थ क्या है, अब क्या पकड़ना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं पूछा, केवल 12 चेले लोग पूछ रहे हैं। इसलिए प्रभु ने बोला, प्रभु के जो गुप्त बातों को, आत्मिक रहस्यों को जानने के लिए सबको नहीं हो पा रहा है, सब लोग नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को वो अनुग्रह मिला करके शिष्य लोगों को प्रभु ने बताया। लेकिन हम इसमें से हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए, प्रभु इतना पक्षपात कर रहे हैं, केवल कितने लोगों को बताया, उस समय में बता सकता है ना उसका जो अर्थ क्या है वो बता सकता था, लेकिन क्यों नहीं बताया, केवल ये 12 चेले लोगों को ही अर्थ बता रहा है करके कोई सोच सकते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों ऐसा नहीं है। पहले से पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है, याकूब ने लिखा है, उसमें कुछ भेदभाव नहीं है, वो पारपक्ष नहीं करता है, कोई किसी के साथ पक्ष ले नहीं लेता है, वो न्याय परमेश्वर है। यीशु मसीह भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है, और तीनों का गुण वही है। यीशु मसीह इधर कहते हैं, हम परमेश्वर चाहते हैं, चाहता है सब लोग आत्मिक ज्ञान पाए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, वही प्रभु सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो वो कितना खुश होगा, परमेश्वर का हृदय इतना खुश होगा, उसका सृष्टि जो मानव जाति सब उसको ढूंढे, आत्मिक रहस्यों को पाए, उद्धार पाए और आगे बढ़े, प्रभु को प्रेम करें, उसका जो जो प्रभु का मनसा है जाने, ये सब प्रभु चाहते हैं, सब लोग पाने के लिए चाहते हैं, लेकिन सब लोग नहीं पाते हैं। क्यों? उन लोग
किसी 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 लोगों को अंदर ही ये लगन रहता है आत्मिक चीजों को सीखने के लिए। कोई कोई वचन बोलने के समय, अपना खुद पढ़ने का समय अर्थ नहीं पता तो ये ठीक है, मुझे अर्थ पता है। कोई कोई ऐसे बोलते हैं मुझे तो वचन समझ में नहीं आता है, कितनी बार पढ़ूंगी तो भी समझ में नहीं आता है। पास्टर जी बताते हैं फिर भी थोड़े समय में मुझे भूल जा मैं भूल जाती हूँ, ऐसे ऐसे बोलने वाला भी मैं सुना है। उसका मतलब क्या है? तुम इसको महत्व तो नहीं देते हैं। जो जो प्रभु का वचन में से हमको चंगाई कैसे पाना है, प्रभु का वचन से हम धार्मिकता के बारे में, प्रभु का वचन से हम भविष्य के बारे में, जो जो आने वाले दिनों में मसीह विरोधी आएगा उसके समय में क्या क्या होगा, सब लिखा हुआ है। एक एक दिन हम जीने के लिए प्रभु का वचन का अंदर से हमको सब कुछ उसमें से ही हमको लेना पड़ेगा। अभी देखिए पानी है, हम हमारा घर में देखिए अभी 3-4 दिन पानी नहीं आ रहा है, पीने का पानी नहीं है, खाना पकाने के लिए पानी नहीं है, तो हम ऐसे बैठ जाएंगे क्या? ठीक है पानी नहीं आ रहा है, हम आज खाना नहीं पकाएंगे, 3 दिन खाना नहीं खाएंगे, मैं प्यास लग रहा है लेकिन क्या करेंगे, पानी नहीं है, ऐसे कोई नहीं बैठेंगे। 3 दिन आपका कुछ मोटर खराब हो गया है, कुछ SMC में लाइन में कुछ पानी का कट हो गया है, आप तुरंत फोन करते हैं SMC को, आप मोटर को खोल कर उसको देखते हो क्या गड़बड़ी है। हम ऐसे करते हैं पानी के लिए, केवल पानी के लिए ऐसे हम ऐसे करते हैं। तो कई मसीह लोगों को वचन का महत्व क्या करके कई मसीह लोग पता नहीं है, इसलिए बोलो वो उसको ऐसे तुच्छ गिनते हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा तो भी चलेगा, ऐसे चले जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे जिसका मनोभावना गए, जिस इसका अंदर ऐसे ही मनोभावना गए, प्रभु अपना गुप्त बातों को उनको प्रकट नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा उनको प्रकट नहीं कर पाएंगे। पौलोस को देखिए, पौलोस बोलता गया मैं अनुग्रह पाया गया, पाया व्यक्ति हूँ, पाया हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन जो कोई जो प्रभु कृपा मुझे दिया गया मैं उसको व्यर्थ नहीं किया, मैं बहुत प्रयास किया, दूसरे प्रेरितों से अधिक में प्रयास किया। देखिए पौलोस को कितना ज्यादा कितनी ज्यादा उसको प्रगटीकरण मिला था परमेश्वर का, जो नई सृष्टि और एक विश्वासी के लिए क्या क्या है नया नियम में, कलीसिया कैसे कैसे चलाना है, धार्मिकता के बारे में, दैविक चंगाई के बारे में, कई चीजों के बारे में, वरदान के बारे में, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में, सेवकाई के बारे में, कितने चीज प्रभु का पुनर्थान के बारे में, यीशु मसीह के पुनर्थान के बारे में कितने चीज प्रभु पौलोस को दिखाया, प्रकट किया। क्यों पौलोस को देखिए कलाती में हम पढ़ते हैं, कलाती पहले अध्याय में, कलातियों का पहले अध्याय है और 14 गलातियों का पहला अध्याय है 16 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, 16 वचन को मैं पढ़ती हूँ। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लघु से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। पौलुस का मनोभावना को देखिए, जब उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला, उसको तो पुराना नियम पूरा अच्छा से रटन मारा हुआ व्यक्ति, लेकिन उसका समझ में नहीं आया वो उसमें क्या है यीशु मसीह के बारे में, इसलिए स्टीफनोस को पत्थर मारने के समय वो भी सहमत था, लेकिन जब यीशु मसीह का दर्शन मिला उसको पता चल गया ये यीशु मसीह है प्रभु, यही है इसका अंदर पुराना नेम का जो मेसिया का बताया वो मेसिया यही है, इसलिए और भी जानना चाहता था। इसलिए वो अपना मम्मी से नहीं पूछा, पापा से नहीं पूछा, अपना दोस्त लोग से नहीं पूछा, और जो प्रेरित लोग पहले से प्रभु को जानते थे, यीशु मसीह के साथ साथ गुनते थे, वो लोग के पास जाकर यरूशलेम में नहीं पूछा, वो तुरंत अरब देश में ककेला एक जगह में प्रभु को ढूंढने के लिए, समय निकालने के लिए ऐसे चला गया करके हम देखते हैं। वो ऐसे कहीं थोड़ा वर्ष उधर ऐसे रह कर प्रभु का जो जो प्रकटीकरण का पा कर ही वो वापस यरूशलेम की ओर आया, अपना जगह की ओर आया करके हम देखते हैं। प्रिय भाई बहन ऐसे प्यासा रखेंगे, उस प्यासा एक लगन, एक प्रभु की चीजों को पहले स्थान देने का एक अंदर हमारा अंदर एक ये है, तो
हम प्रभु की आत्मिक चीजों को, आत्मिक रहस्यों को प्रभु हमारा साथ बताएंगे, प्रकटीकरण देंगे। हम कहीं जी लोगों को हम देखते हैं, रूत का पुस्तक में हम देखते हैं, रूत के बारे में आपको मालूम है, रूत एक मोआबी स्त्री, वो एक इसराइलिट को के साथ शादी हुआ, वो लोग मोआब में रहते थे, लेकिन जब वो अपना दो इसका पति और उसका पति के भाई ससुर सब मरने के बाद में नवमी के साथ वो दोनों बगलो नवमी के साथ वो इसराइल देश में वापस आने के लिए, बेतलेहम शहर की ओर आने के लिए वो लोग उधर से निकल पड़ रहे हैं, तब उसमें से एक वो जो ओरफा एक बहू क्या करती है, दोनों हम आएंगे करके आ रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में जब वो लोग गांव के बाहर आ गए, अभी बेतलेहम शहर जाने का रास्ता अलग हो रहा है, उसमें जाना है, तब ओरफा अपना मन को बदल दिया। वो सोच रही थी ये बुढ़ी के साथ जाकर हमें अभी क्या फायदा है, इसके साथ जाएगा तो मेरा अच्छा भविष्य नहीं होगा, ऐसे करके उसके पास कोई नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उधर भी इसराइल देश में उसका घर है कि मालूम नहीं है, मैं अपना वापस मेरा मायके में चला जाती हूँ, और उधर मैं जाकर मैं जवान ही हूँ, मैं दूसरा शादी कर सकती हूँ, दूसरी शादी कर कर मैं मेरा भविष्य बना सकती हूँ करके वो वापस चलेगी। लेकिन रूत के बारे में देखिए, रूत पहला पुस्तक पहला अध्याय, मतलब रूत का पुस्तक पहला अध्याय है 14 और 16 वचन में आप देखिएगा, वो इतनी दृढ़ता से रूत इतना दृढ़ता से वो बता रही है नवमी से, बहुत वो आश्चर्य लगता है, इतना दृढ़ता से वो कहती है कि 14 वचन में हम देखते हैं, 14 वचन में वो कहती है, फिर 1:14 तब वे फिर से उठी और ओरफा ने तो अपनी सास को चूमा परंतु रूत उससे अलग न हुई, रूत अलग न हुई। 16 वचन को देखिए, रूत बोली तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर, तुझे मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी करके, मृत्यु केवल मृत्यु हम दोनों को अलग से कर सकता है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ आते रहूंगी करके, इसराइल का परमेश्वर यहोवा के बारे में उसका इतना एक प्रकटीकरण था, उसके लिए और भी वो अलग होना नहीं चाहती है, अपना पुराना देव देवता को पीछे जाने के लिए नहीं चाहती है, वो नवमी को अच्छा से पकड़ी, मैं आपके पीछे ही आऊंगी जो भी हो आपके साथ रहूंगी करके, वो इतना दृढ़ता के साथ एक लगन के साथ रूत के नवमी के पास साथ आई आई। हम देखते हैं बाद में उस कहानी में उस संभव में रूत कितनी आशीष पाई और कितनी आशीष पाई, एक सब लोग अचंभा करने तक ऐसे आश्चर्य हो सकते हैं, ऐसे उसका कहानी, ऐसा उसका कहानी का अंत, ऐसे हो उसका जीवन का अंत, ऐसे महिमामय अंत था। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के कार्यों को आत्मिक चीजों को जानने के लिए उसके लिए पहले स्थान देने के लिए हम निर्णय लेना होगा, हमारे हमको मालूम है भजन संहिता पहले अध्याय में ऐसे लिखा है, जो परमेश्वर का वचन पर रात दिन मनन करेंगे वो लोग सफलता पाएंगे, वो लोग हरा भरा रहेंगे, उसका पत्ता नया मुरेगा मुरझाएगा, और वो लोग जो भी करेंगे वो सफलता पाएंगे उस कार्यों में, ऐसे करके लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की सफलता के लिए एक एक दिन जरूरत है। यहोशू के साथ प्रभु ने क्या बोला, ये वचन को तुम अपना हृदय में रखो, तुम्हारा आंग के सामने रखो, उससे मनन करते रहो, तुम्हारा मुंह में वो बोलते रहो, तुम्हारा जीवन सफलता रहेगा, जीवन में तुम सफलता पाएगा करके बोला है। ये जो जो समझ लिया है वो लोग अच्छी रीति से उसके लिए पूरा निर्णय लेते हैं, प्रभु प्रभु का वचन आत्मिक चीजों के लिए पहले स्थान देते हैं, ऐसे करते हैं। हम तो जब मैं जवान थी तब मुझे एक बीएड कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब हमको क्या हमारा एक जुंडम दोस्त लोग थे, उसमें एक एक लड़की थी वो पेंटिकॉस्टल चर्च से आई हुई थी, वो बहुत अच्छा से प्रभु के कार्यों में आगे थी हमसे, वो हमें हमें पहले पहले मुझे एक पेंटिकॉस्टल मंडली में वो ही लेके गई, जब मैं 1 साल बीएड के लिए पढ़ रही थी कॉलेज में हॉस्टल में रहती थी, तब वो लेके गई उधर, वो चर्च के जाने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर हमको
जाना पड़ेगा, कम से कम 4 किलोमीटर, एटलीस्ट 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब चल के ही हमको जाना पड़ेगा, उस समय उधर कुछ गाड़ी नहीं है, हमारे पास कुछ व्हीकल नहीं है, व्हीकल नहीं था, इसलिए हम चल के ही जाते थे। फिर भी हम हमेशा, मुझे याद है एक साल में उस कॉलेज में पढ़ती थी, उस पूरे एक साल तक आराधना, रविवार आराधना, सुबह का आराधना शुरू होने के पहले हम कम से कम 15 मिनट के पहले हम उधर जाके बैठ जाती है, फर्स्ट बैठ जाते थे। वो फर्स्ट रो सेकंड रो में हम ऐसे 10 बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग, हम ऐसे बैठ जाते थे। पूरा हम अन्य भाषा में आराधना शुरू होने के पहले प्रार्थना करते रहते थे, उसके बाद में लोग आते थे, आराधना शुरू होता था, फिर हम वापस चले जाते थे। फिर खाना, दोपहर का खाना खाकर थोड़ा आराम करते थे, फिर उसके बाद में शाम की आराधना भी होती थी। शाम की आराधना में हम तैयार हो जाते थे, हम कॉलेज में रहकर क्या करेंगे, अभी आज तो छुट्टी है, जाएंगे शाम की सभा में भी हम भाग लेंगे करके वापस हम 4-5 किलोमीटर चल के आते हैं, उधर भी हम पहले आ जाते थे। ऐसे हमारे जीवन में जब जवानीपन में इतना लगन था मेरा अंदर, प्रिय भाई बहन, हमारा मेरा ये सुनने वाले जवान बच्चे लोग, आज आप लोग मोबाइल को लेकर, टीवी को लेकर, ये कार्य वो कार्य, ये चीज़ वो चीज़ करके कितने समय को आप वेस्ट करते हैं अपना अपना जी जवानीपन में। प्रभु को ढूंढो, तुम्हारा जीवन में आप अच्छा नींव डाल पाओगे, तुम्हारा जीवन कभी भी बिगड़ नहीं जाएगा, तुम्हारे जीवन में तुम सफलता पाओगे। बुढ़ा होने के समय में तुम किसी चीज़ के बारे में आप तुम पश्चाताप नहीं करोगे, मैं ऐसे क्यों किया जवानीपन में। ऐसे जवानीपन में प्रभु को ढूंढने के लिए दूसरा जो जो चीजें हैं उसको दूर रखो हमेशा, ऐसे सब लोग करना है, लेकिन जवानीपन में ऐसे करो। मेरा जीवन में ऐसे हुआ, मैं डिंगे मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्रिय भाई बहन, जवानीपन में ऐसे लगन था मेरे जीवन में, मैं इतना चाहती हूँ अभी ऐसे लगन मुझे अभी होएगा तो कितना अच्छा है करके। अभी भी मैं प्रभु को प्रेम करती हूँ, प्रभु के पीछे चलती हूँ, प्रभु के लिए समय बिताती हूँ, लेकिन वो जवानीपन में इतना प्रभु के ओर में इतना प्रेम करती थी, उत्साहित रहते थे। ऐसे हम रहना चाहिए, आत्मिक रहस्यों को सीखने के लिए, आत्मिक चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के कार्यों में हम आगे बढ़ने के लिए, जिस इसका अंदर वो लगन रहेगा, मनोभावना रहेगा, वो लोग और भी ज़्यादा प्रभु देते रहेंगे, देते रहेंगे। एक तालंत का वो मैं मतलब दृष्टांत में हम ऐसे देखते हैं, एक व्यापारी अपना, एक मालिक अपना सेवक लोगों को 5, 2 और 1 कुछ पैसा देकर वो लोग चला जाता है, तुम इससे व्यापार करके बढ़ाओ मेरा पैसा को। फिर हम लास्ट में हम देखते हैं आखिरी में जो 5 दिया कि जिसको वो 10 को करा दिया, दो दिया वो 4 करा दिया, लेकिन एक जो जिसके पास था वो एक कपड़ा में उसको ऐसे लिपट कर ऐसे जमीन का अंदर छिपा दिया। वो वापस अपना मालिक जब वापस आया उसको एक अपना भाव को ऐसे ही दे दिया, एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। तब वो मालिक ने गुस्सा किया और क्या बोल रहा था, ये जो टैलेंट है एक, इसको लेकर जो 10 बनाया उसके हाथ में दे दो। तब उसके सेवक लोग पास में खड़े हुए लोग बोल रहे थे, मालिक उसके पास तो पहले से 10 है, ये क्यों छीन कर आप उधर देना चाहते हैं। तब भी यही परमेश्वर ये वचन बोला, जिसके पास है और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो मेरा पास है करके समझ के रखा है वो भी चला जाएगा करके प्रभु ने बोला है। ऐसे मैं एक बार एक सेवक का सुन रही थी, सेवक से सेवक जो बात सुन रही थी उसमें एक आदमी के बारे में बता रहा था, एक प्रभु का बच्चा था, वो अच्छा से जवानीपन में एक अच्छा कॉलेज बाइबल कॉलेज में पढ़ा और पढ़ने का समय में इतना उत्साहित रहा और पूरा नोट्स जो नोट्स प्रोफेसर बोलेंगे उसके लिए अच्छा से जो पार्ट वो सिखाएंगे सबको अच्छा से नोट्स लेके रखा था, अच्छा से प्रभु में कहीं कहीं प्रकटीकरण पाकर वो जी रहा था। लेकिन साल बीते बीते वो ऐसे एक कलिसिया में जुड़ गया, जगह आत्मिक चीज़ों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं है, आत्मा में भरकर अन्य भाषा में आराधना करने के लिए मौका नहीं है, ऐसे जो एक कलिसिया में अपना आपको जोड़ दिया। ऐसे आके साल बीते गया वो बहुत ठंडा हो गया। उसके बाद में एक दिन अपना घर को तो साफ सफाई करने का समय में एक कबोर्ड एक अलमारा में एक बुक को मिला उसको वो बुक को देखकर
खोल के देख रहा, कहीं नोट्स उसके हाथों से लिखा हुआ, कई साल के पहले लिखा हुआ नोट्स को देख रहा था। वो पढ़ने लगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, तब ये तुरंत फोन किया। वो सोच रहा था मैंने लिखा हुआ था ये, लेकिन वो मुझे नहीं, अब भी समझ में नहीं आ रहा करके कोई सेवक को फोन किया। तब वो सेवक बोल रहा था, प्रिय भाई तुम उस समय में अच्छा से गर्मा गर्म था, प्रभु में इतना लगन के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन साल बीते बीते अभी तुम ठंडा हो गया है। तुम्हारा अंदर जो जो प्रकटीकरण प्रभु दिया गया वो तुम उसको इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो ताजा नहीं है, भूल गया सब तुम, ऐसे बोला। इतना खतरनाक चीजें हैं, कई के लोग सोचते हैं हम अभी अच्छा से रह रहे हैं, अभी 10 साल के बाद में भी हम ऐसे जाया रहेंगे तो रहेंगे, वो याद रहेगा सब कुछ, ऐसे याद रहेगा हम आगे बढ़ेंगे करके। नहीं प्रिय भाई बहन, हम आगे बढ़ते जाना आ गए, जो जो हम ऐसे एक जगह में बैठ नहीं जाना, ठंडा नहीं होना आ गए, प्रभु की चीजों के ऊपर हमारा अंदर एक प्यासा होना चाहिए। ऐसे जाने वालों को प्रभु प्रकटीकरण देते रहेंगे। अब देखिए एक देश में एक राजा रहता था, वो क्या बहुत युद्ध करता था, बहुत युद्ध में अच्छा से जी पाता था। उसके पास एक अच्छा एक तलवार था, वो तलवार थी, वो बहुत तेज था, बहुत अच्छा से वो उसको चलाकर विजय पाए। लेकिन कई साल हो गया है, वो गांव ऐसे, वो देश ऐसे दब गया, ऐसे कुछ सब कुछ वो उसका दफना किया, उसका चीजों भी वो ये हो गया है कि नीचे दफना किया हुआ, उसका तलवार भी ऐसे मिट्टी के नीचे वो लोग दफना किए होंगे। ऐसे कहीं एक 100 साल 200 साल के बाद में कोई आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, मतलब भूमि को खोद कर पुराना इतिहास में क्या क्या हुआ है, कि क्या क्या राजा क्या क्या किया, उसको खोजने वाले ढूंढा तो उधर एक तलवार मिला। उस तलवार को आप सोचिए, उस तलवार कैसे रखा होगा, जिस दिन वो राजा उसको रेगुलर उपयोग तेज करके करके उपयोग करते रहा, वो बात में उसके समान नहीं होगा, पूरा जंग लग गया होगा, मतलब पूरा शार्प नहीं होगा, तेज नहीं होगा। ऐसे ही आत्मिक प्रकटीकरण जो जो हम पाते हैं प्रभु देते हैं, ताजा रहना। प्रिय भाई बहन, हम दुनिया का जो भी जो कांटा का जो जमीन के प्रभु इधर दृष्टांत में बता रहे हैं, वो अच्छा जमीन, उस जमीन में अच्छा बीज बोया, लेकिन जब वो उग गया, पूरा दुनिया का धन मोह माया और कई दबाव, लोगों को प्रिय करने के लिए पसंद, लोगों को ऐसे प्लीज करने के लिए ऐसे कई चीज करके करके हुआ, ऐसे वचन एक फल भी नहीं दे पाया। कई लोग ऐसे करते हैं, प्रभु उनको दिखाते हैं, प्रभु तो बोलते हैं, प्रभु इधर देखिए ये प्रभु 16 और 17 वचन में प्रभु दिखाते हैं। देखिए 16 वचन में क्या बोल रहा है, 17 वचन में क्या बोल रहा है प्रभु। लुका का आठवा अध्याय में 17 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, उधर ऐसे लिखा है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। प्रभु कहते हैं सब कुछ, कोई भी गुप्त बात नहीं है, प्रभु सबको प्रकट कर दिया। जब चेले लोग यीशु मसीह के साथ थे दुनिया में, तब वो लोग समझ नहीं पाए, इतने थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन बाद में जब प्रेरितों ने सब लोग प्रभु के शिष्य लोग आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, वो लोग अच्छा से समझने लगे, पवित्र आत्मा सब कुछ उसको सिखाया। ये प्रभु ने बोलता, कोई भी गुप्त बात नहीं है, प्रभु के आत्मिक चीजें किसी को ही बताएंगे, दूसरा किसी लोगों को नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रभु छुपाने के लिए नहीं चाहते। इसलिए प्रभु 16 वचन में क्या कहते हैं, देखो 16 वचन को हम पढ़ते हैं, तो लूका 8:16 में हम क्या पढ़ते हैं, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं डांगता और न काट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को देखे, परमेश्वर अपना सच्चाई को, गुप्त बातों को, आत्मिक चीजों को सब लोग जानने के लिए चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिया जलाता तो कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा से उसको मिट्टी का तेल डालकर अच्छा से एक इसमें जलाकर कोई बर्तन का अंदर नहीं रखेंगे, अंधकार ही रहेगा, नहीं तो काट के नीचे, नहीं तो काट में कोने पर नहीं रखेंगे, ये कैसे एक दीवट पर रखते हैं, क्योंकि साफ जो जो आने वाले हैं उस घर में जो जो चीज है वो सब
घर का अंदर आने वाला को कोई उधर दिया जल रहा तो सब चीज पता चलता है। अंदर अगर रहेगा तो घर का अंदर क्या क्या है किसी को पता नहीं चलता है। घर का अंदर आने वालों को उस घर में क्या क्या है करके वो दीवट के द्वारा, दीवट में रखा हुआ उस दिया के द्वारा सब प्रकट होता है। प्रभु वही चाहते हैं, पिता परमेश्वर चाहते हैं, पुत्र यीशु मसीह चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं, सब जो जो प्रभु के बच्चे लोग सब लोग जो जो उद्धार पाए हुए सब प्रभु के जो ज्ञान बाइबल में लिखा प्रकटीकरण है पाने के लिए चाहते हैं। लेकिन सब लोग क्यों नहीं पाते हैं? सब लोग प्रभु प्रकट कर दिया लेकिन सब लोग क्यों नहीं पाते हैं? सब लोगों के अंदर इस लगन नहीं है, इस मनोभावना नहीं है, प्रभु का चीजों के लिए पहले स्थान देने का आदत नहीं है, दूसरे चीजों के लिए पहले स्थान देते हैं, तब कैसे आप ताजा रहोगे? आपका प्रकटीकरण जो जो पाए हैं वो भी ऐसे धीरे 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 मिट जाएगा। जैसे मैं बताई वो उस आदमी के बारे में उदाहरण बताई, प्रिय भाई बहन हम बाइबल में देखते हैं जो जो प्रभु को और भी जानना चाहते थे, और एक्स्ट्रा माइल मतलब और भी जानने के लिए तैयार थे, वो लोग जरूर वो लोग बहुत पाते थे। हम देखते हैं हम पाल के बारे में हम देखा, रूथ के बारे में हम देखा, एलिशा के बारे में एलिजा के बारे में देखे। एलिजा एक बड़ा भविष्यवक्ता था। जब उसका स्वर्ग जाने का दिन आ गया उसके पहले कई साल एलिशा उसके पीछे पीछे उसका सेवक के रूप में जाके उसको मदद करते रहा, और एलिशा के साथ एलिजा के साथ कई भविष्यवक्ताओं भी थे झुंड। उधर हम देखते हैं दूसरा राजाओं का पुस्तक में 2:4-6 उस अध्याय को पढ़ेंगे तो पता चलेगा उधर कई भविष्यवक्ता बोलने वाले लोग थे एलिजा और एलिशा के अलावा भी। लेकिन जिस दिन सबको पता चल गया आज एलिजा स्वर्ग में प्रभु उसको लेके जाने वाले, सबको पता चला चल गया, सब भविष्यवक्ताओं को पता चल गया जो गिलगाल में थे, यरदान में थे, एरिगो शहर में थे, ये तीनों शहर में आसपास जो गए सबको पता चल गया एलिजा आज उधर उठाया दिया जा प्रभु उसको उठाने वाले हैं। लेकिन कोई भी पीछे पीछे नहीं गया, सब लोग बोल रहे हैं एलिशा तुमको मालूम है आज तुम्हारा मालिक के लिए एलिजा को प्रभु स्वर्ग में लेके जाएंगे। फिर ये बोला हाँ मुझे मालूम है, अब चुप रहो। एलिजा एक एक बार बोलता है एलिशा तुम इधर रहो मैं उधर तक जा रहा हूँ, नहीं मैं नहीं रुकूंगा आपके साथ ही साथ आते रहूंगा। फिर दूसरा शहर में जाएंगे वो उधर भी बोलेगा एलिशा तुम इधर रहो मैं उधर उधर तक जाकर उधर तक मुझे जाना है, नहीं आपके पीछे आऊंगा पीछे आऊंगा पीछे आऊंगा करके लास्ट तक गया। और जब एलिजा स्वर्ग में उठा लिया गया तब उसके ऊपर से जो शाल गिरा उसको चादर को एलिशा पकड़ लिया, और एलिजा से 2 गुना अद्भुत काम एलिशा अपने जीवन में कर पाया। और इतना ही नहीं है एलिशा बहुत उन दिनों में जो जो राजा लोग थे उनके दोस्त था, बहुत अच्छा से उसके जीवन में हुआ। एलिजा मर रहा है, एलिशा मरने के बाद में भी उसका हड्डी में एक शव को डाला तो ऊपर वो भी जिंदा हो गया। कितना देखिए क्यों पीछे 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 गया एलिशा के एलिजा के पीछे, मुझे पाना ही है 2 गुना पाना है एलिजा का अंदर जो अभिषेक है मुझे 2 गुना पाना है। लेकिन पुराना नियम में ऐसा था, नया नियम ऐसा नहीं है 2 गुना अभिषेक 3 गुना अभिषेक ऐसा कुछ नंबर नहीं है। लेकिन हमारा अंदर वो प्यासा होना चाहिए। हम पानी को देखिए कोई भी जगह में पानी जगह गड्ढा है उधर ही भगता है, ऊंचा जगह से गड्ढा जगह है वहाँ कुदरत के अनुसार वो भगती है। वैसे ही आत्मिक चीज भी जिसके लिए जिस जिसका अंदर प्यासा है जिस जिसका अंदर आगे बढ़ना है कुछ निर्णय लेते हैं मुझे ऐसे करना ही पड़ेगा। नीति वचन में हम प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, नीति वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हुए जो जो सुबह सुबह मुझे ढूंढेंगे वो लोग मिलेंगे, वो लोग को मैं मिलूंगा, और मेरा दरवाजा के पास जो बाट जोते रहते हैं इंतजार करते रहते हैं प्रभु कब मेरे साथ मुलाकात करेंगे कब आएगा कहा, ऐसे लोगों को मैं मुलाकात करता हूँ करके प्रभु का वचन कहता। प्रिय भाई बहन हम भी ऐसे करेंगे प्रभु के चीजों को ऊपर प्यासा लगेंगे। कहीं जो बाइबल में कई चीजें दिए हुए हैं सब ये उनके समान हम भी प्रभु को ढूंढें
मगदलीन मरियम, मरियम के बारे में भी हमको पता है। सब लोग स्त्री लोग मिलकर एक झुंड में बन कर जा रहे हैं कब्रस्तान में यीशु मसीह का कब्र को देखने के लिए। लेकिन जब स्वर्गदूत बोल रहा है यीशु मसीह इधर नहीं है, जिंदा हो गया, सब स्त्री लोग वापस चले गए। वो लोग और भी थोड़ी देर रहने के लिए वो लोग नहीं चाहा, चले गए। लेकिन मगदलीन मरियम मरियम को देखे, वो उधर रही, उधर उधर गार्डन में ढूंढी होगी प्रभु का शरीर को कहाँ रखा है करके, उधर उसका कुछ आवाज़ सुन रहा है। फिर वो सोच रही है कुछ बगीचा को संभालने वाला व्यक्ति होगा उससे पूछेंगे करके, वो भाई आप यीशु मसीह के शरीर को लेके गया क्या, दे दो मुझे, ऐसे वो पूछ रही है। ये सब वो थोड़ा ऐसे रो रही है बैठ के। तब प्रभु उसको उसका लगन को देखा और उसका प्रेम को देखा और वो जो उसका मनोभावना को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह मरियम करके प्रेम से बुला रहा है। और उसको पहले ही बार इतिहास में देखते हैं पुनर्तन पाया हुआ, महिमामय शरीर पाया हुआ यीशु मसीह का दर्शन वो पाकर दूसरों को बात में बताए। ऐसे प्रिय भाई बहन प्रभु के चीज़ों को पहले स्थान देंगे हम आशीष पाएंगे। ऐसे लोगों को ही प्रकट का होगा, प्रकटीकरण मिलेगा। और जो हमको ऐसे नहीं, उस पर आशा नहीं है, भूखा नहीं है प्रभु की ओर, ऐसे लोगों को जो समझ रहे हैं मुझे है करके, वो भी धीरे धीरे निकल के चला जाएगा। इसलिए हम सावधान रहें, प्रभु हमें आशीष करें।